lighten up, take me on your magic river. Tell me all your... Hello everyone, welcome back to my new vlog. Hope you all are good. Friends, आज गोपुलू अपने बेबीज को यहाँ वहाँ घुमाने पर लगी हुई है. तो दो बेबीज को तो वो वहाँ लेकर के चली गई थी और एक उसका बेबी यहीं रह गया था, तो इसलिए मम्मी वहाँ उन्हीं के साथ में रखकर आ रही है ताकि साथ में खेलेंगे और कूदेंगे. आज तो भाई बिल्ली के बजे सुबह 6 बजे ही नीचे आ गए थे. तब से ऐसा उधम मचा रखा उन्होंने पूरे कमरे में और बाहर इतने ठंडे में उनके साथ यहाँ बाहर पर रहना पड़ा. बस हर समय खेलने के लिए चाहिए उनको. अभी वहां चले गए, उस साइड को थोड़ी धूप आ रही तो वहां लकड़ियां रखी हुई हैं, लकड़ियों में खेल रहे कूद रहे हैं. गोपू भी वहीं पर ही है और बिजलू हमारा मस्त तरीके से अंदर सोया हुआ है. एक छोटी बिल्ली तो भाई पानी के टब में भी छपाक कर गई सुबह सुबह और पूरी भीग गई, डुबकी लगा दिया उसने पानी में. आ गए मम्मी उसको भी उनके साथ ही छोड़ करके. थोड़ा देर वहाँ धूप है ना उस साइड को, तो वहाँ पर खेलेंगे कूदेंगे. वहाँ पर गोपू के तीनों बेबीज और गोपू भी वहीं पर ही बैठी हुई है, वहीं पर ही टहल रहे हैं बच्चे सब. वो देखो सीखेंगे अब धीरे धीरे करके, गोपू सिखा रही है उनको सारी चीजें. बाकी कहाँ गए, तो एक ही दिख रहा है कालू ही कालू. वो आ गए एक एक करके. आज यहाँ चल रही है इनकी मौज मस्ती. कालू कैसे फुदक रहा है. चलो भाई ज्यादा दूर मत जाना, यहाँ नजदीक नजदीक खेलना, यहाँ मंगूस भी आते हैं भाई, बच के रहना. गोपू के बच्चे तो वहाँ पर मस्त तरीके से गोपू के साथ में खेल रहे कूद रहे हैं और यहाँ पर मम्मी ने स्टार्ट कर दी है अपनी गार्डनिंग. आज फूलों में पानी डालो. बस चुके हैं, थोड़ी धूप भी निकल गई है भाई. सुबह 6 बजे के टाइम पर तो बहुत ठंडा हो रहा है, कोहरा जैसा लग रहा था जब सुबह 6 बजे उठ करके देखा बाहर, ठंडी ठंडी हवा. बहुत लंबे समय बाद एक फ्लावर खिल गया है इसमें और अभी खिलने वाले हैं और भी. वो देखो एक येलो अभी उसमें भी खिलेगा, उसमें भी खिलेगा, वो भी खिलेंगे. अब ये पेड़ हमेशा भरा रहेगा फूलों से. मौसी तो यहाँ आए हुए है राय पत्ता तोड़ने के लिए. देखो इसको, ये तो आ गया. कालू सिंह कहाँ जा रहा है तू? मौसी राय पत्ता लेकर के आ गए. गोपू को देखो, गोपू है. बाकी दो कहाँ है? पता नहीं किस साइड को चले गए वो दोनों खेलने के लिए. अरे ये तो यहाँ है हमारा टस्किया है. कालू को देखो, कालू का खरगोश की तरह फुदकने में लगा हुआ है. लेकर के चली गई क्योंकि वो इधर को ही आ रहा था, इसीलिए वो उसको बुलाने के लिए आई और अब लेकर के जा रही है वापस. लेकिन कालू नहीं मानेगा, कालू मन मर्जी का है भाई, वो यहीं को ही आ रहा है. चला गया, कंफ्यूज में है वो, कंफ्यूजन हो रहा है कालू. एक साइड से फूलों में पानी डाला जा रहा है और दूसरे तरफ से मौसी लगा रहे हैं पौधा. ये तुलसी का पौधा लगा रहे हैं मौसी. दूसरे टाइप की तुलसी है हमारे पास, दो टाइप की है, एक श्याम तुलसी और एक सिंपल वाली तुलसी. ये वाली पता नहीं कौन सी तुलसी, इसका नाम नहीं मालूम है. ये लगा दिया यहाँ पर तुलसी का पौधा. आज तो मजे ही आ गए तुम लोगों के. ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, कैसे पहुँचे तुम लोग वहाँ? नजर हटी नहीं, दुर्घटना घटी नहीं? तुम तो वहां थे, यहाँ कब पहुंचे? ये देखो दोनों के दोनों यहाँ आ रखे हैं आम के पेड़ में. एक और कहाँ है? आज तो इन लोगों को बहुत ही मजे आ गए हैं. ओए भाई गिरते गिरते बचा.
आ गया तीसरा भी। वो तो लुढ़कता लुढ़कता आ गया, ये क्या करेगा। खुद ही ला रही है गोपू, खुद ही बुला रही है गोपू। Take me on your magic river. Tell me all your dreams aligned. Line me up. कर क्या रहे हैं जी ये? I can get hung, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain go away. इन लोगों को हो रही है कहाँ कहाँ दौड़ें, किस किस पेड़ में जाएं? इतने सारे पेड़ हैं यहाँ पर, सब में चढ़ रहे हैं, कूद मारने पे लगे हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ में। गोपू तो वहाँ धूप में बैठ गई है और ये लोग यहाँ पे। सोच करके जा रहा है वो। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams aligned. Line me up and tell me about the people that you know who are trying to feel. आया आया टस्की आया। Can get hung, so honey, if you need to. जा वो उन दोनों को भी तो लेकर आ। टीटू कीटू को। ये एक एक करके आ रहे हैं, पहले गोपू आई, अब ये आ रहा है। ये आया कब्जे में। आ जा सब यहीं पर ही आ जा। आओ आ जा जल्दी आ। ये लोग एक एक करके आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं भाई, एक एक करके। ये देखो आ गई, इनको छोड़ करके अपने को पहले पहले आई। ओ भाई मौसी को देखो, मौसी तो और बच्चों से भी ज्यादा खेल कर रहे हैं। कैसा कर दिया वो कल्लू को। और ये तो आ गए हैं तीसरे को लेने के लिए। गोपू जा रही है अब। आ गई गोपू लेने के लिए, गई थी। हाँ वो आ रहा है पीछे से। हाँ बुला बुला लेकर आ सा बस। ले आई। दड़े 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 सबस। आजा आ जाओ, आज का खेल खत्म, बहुत खेल लिया तुम लोगों ने आज। आजा सब्बास। एक एक करके सब आ गए। सो फ्रेंड्स आ गए हैं गोपू एंड सन्स खेल कूद के उधर से वापस यहाँ पे। अभी अमरूद के पेड़ के यहाँ पर हैं ये दोनों के दोनों यहाँ पर हैं और एक वहाँ दरवाजे पर बैठा हुआ गोपू वापस से वहाँ पर जा करके बैठ गई है। वो देखो गोपू को, वो री गोपू वहाँ पर बैठी हुई और एक दरवाजे पर बैठा हुआ है वहाँ पे। इसकी पूंछ देखो बिल्कुल गिलहरी की तरह, इतनी मोटी सी पूंछ बना ली इसने अपनी।
खेलते खेलते झिंगुरी जाता है, चिड़िया पकड़ने वाला है। हो गया तो चिड़िया पकड़ने लायक। इसकी नजर चिड़ियाओं पे, इतनी सारी चिड़िया आ रखी है वहां पर, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर खाना रखा रहता है, तो क्योंकि चिड़िया चिचिहा रहे हैं तो वो देख रहा है वहां पर से चिड़ियाओं को। तो चिड़िया को दबोचने की सोच रहा है। देखो इसको, देखो इतना छोटा सा, और देखते हैं क्या करेगा ये। ओ भाई भाई, उड़ गई चिड़िया। Lighten up, take me on your mind। बिजलू को और गोपुलू को तो भाई भूख लग गई है, इसीलिए ये लोग खाना खा रहे हैं। गोपुली मार खाएगी अब तू। गोपू ने दूध छोड़ दिया, ये बिजलू ने दूध छोड़ दिया भाई, और ये गोपू पी रही है अब उसके हिस्से का दूध। अभी किचन से पी करके आई और यहाँ पर भी पी रही है। फाइनली आ गए गोपू एंड सन्स खेल कूद करके अंदर। इतने देर तक इन्होंने खेला कूदा और अब इनको लग गई है भूख, अब यहाँ पर बैठ करके दूध पी रहे हैं लोग। और इसी के साथ मैं भी करूंगी अपना आज का व्लॉग यहीं प्री क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।